नमस्कार, मैं अंजलि भागवत। मैं भारत की अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ। मैं राइफल शूटिंग करती हूँ, यानी कि निशानेबाजी। इस वीडियो में आप देखिए गन के भिन्न प्रकार और सुरक्षा नियमों की जानकारी। निशानेबाजी के ट्रेनिंग की शुरुआत सेफ्टी रूल्स से होती है, जो जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी वेपन को इस्तेमाल करने के पहले उस वेपन के ऑपरेशन के बारे में जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सेफ्टी रूल्स में सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि हर एक वेपन का पॉइंट आप सेफ डायरेक्शन, मतलब किसी की ओर ना रखें, या तो टारगेट की तरफ, या तो ज़मीन की तरफ, या ऊपर सीलिंग की तरफ ही उसको एम करें। दूसरी बात यह है कि हर एक वेपन को आप लोडेड यानी गोलियों से भरी हुई है इसी दृष्टिकोण से इस्तेमाल करें। अपनी वेपन हमेशा अपने पास रखें, अनअटेंडेड ना छोड़े, या कोई भी वेपन किसी की भी हो, बिना परमिशन या बिना इजाज़त आप उसको हाथ नहीं लगा सकते। ये सारे सेफ्टी रूल्स समझने के बाद आप बेसिक ट्रेनिंग शुरू कर सकते हैं। निशानेबाजी में बेसिकली तीन कैटेगरीज होती है, राइफल शूटिंग, पिस्टल शूटिंग और तीसरी शॉटगन शूटिंग। और हर एक कैटेगरी में अलग अलग प्रकार के इवेंट्स होते हैं। 10 meters एयर राइफल इवेंट, जिसमें एयर राइफल यूज़ की जाती है, जो एयर प्रेशर पे चलती है, और ये इवेंट सिर्फ स्टैंडिंग पोजीशन में शूट किया जाता है। दूसरे दो जो इवेंट है, जो 50 meters पे शूट किए जाते हैं, जिसमें 0.22 स्पोर्ट्स राइफल यूज़ होती है। ये दो इवेंट, यानी कि पहला इवेंट प्रोन पोजिशन, जिसमें सिर्फ लाइंग पोजिशन में शूट किया जाता है, और दूसरा इवेंट 3-position इवेंट, जिसमें तीन अलग अलग पोजीशन में शूटर शूट करते हैं। पहले के नीलिंग पोजीशन, यानी कि आप सिटिंग पोजीशन में बैठ के चलाते हो, और उसके बाद प्रोन पोजीशन, यानी कि लाइंग पोजीशन में शूटिंग करनी पड़ती है, और तीसरी स्टैंडिंग पोजीशन, इसमें स्टैंडिंग पोजीशन में शूट किया जाता है। पिस्टल शूटिंग में तीन अलग अलग रेंजेस पे शूट किया जाता है, जैसे कि 10 meters पे एयर पिस्टल इवेंट किया जाता है, 25 meters पे स्पोर्ट्स पिस्टल शूट किया जाता है, और 50 meters डिस्टेंस पे फ्री पिस्टल शूट किया जाता है। सारे पिस्टल इवेंट सिर्फ स्टैंडिंग पोजीशन में ही शूट किए जाते हैं। शॉटगन में तीन प्रकार होते हैं, एक ट्रैप शूटिंग, दूसरा डबल ट्रैप शूटिंग, और तीसरा स्कीट इवेंट। और यही शॉटगन के तीनों इवेंट में सिर्फ स्टैंडिंग पोजिशन ही यूज़ की जाती है। मेरा इवेंट राइफ़ल शूटिंग था। मैं अब आपको राइफ़ल के बारे में जानकारी देती हूँ। ये 0.177 एयर राइफ़ल है। ये एयर राइफ़ल के अभी पार्ट्स के बारे में हम जानकारी लेते हैं। ये एयर राइफ़ल की बट प्लेट है, जो ऊपर नीचे हमारे एडजस्टमेंट के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। इसे चिक पीस कहते हैं, जिसके ऊपर हम चिक प्रेशर देते हैं। उसके निचला जो पार्ट है, उसे स्मॉल ऑफ द बट कहते हैं। इसके आगे ये है, उसे ग्रिप कहते हैं, जिसको हम हाथ से पकड़ के राइफल को बैलेंस कर सकते हैं। इसके आगे वाला ये पार्ट है, उसको ट्रिगर गार्ड कहते हैं, जो ट्रिगर को कई चीज़ों से बचाता है। इसके अंदर है ये ट्रिगर है, जिसको चला के हमारी पैलेट या बुलेट राइफल की टारगेट तक पहुँच जाएगी। ये है पूरा स्टॉक, जिसके ऊपर बैरल को लगाया जाता है और पूरी राइफल असेंबल की जाती है। ये ऊपर वाली है, वो पूरी बैरल है, ये टिप ऑफ द बैरल है, उसे मज़ल भी कहा जा सकता है, और ये ऊपर जो लगाया है, इसे फोरसाइट कहते हैं, और इसी के पीछे बराबर जो सेंटर में लगाया है, इसे बैक साइड कहते हैं। ये बैक साइड और फोरसाइट हम सही तरीके से अलाइन करके जब टारगेट पे रखते हैं, तभी हमारा निशाना टारगेट के सेंटर में लगता है। ये दो अलग प्रकार की गोलियां हैं। ये 0.177 एयर पैलेट है, जिसे हम छर्रे भी कहते हैं, जो एयर राइफल में यूज़ होती है, और ये 0.22 बुलेट है, जो 0.22 स्पोर्ट्स राइफल में यूज़ होती है। निशानेबाजी के स्पर्धा नियम और आदेशों की जानकारी के लिए इंटरनेशनल स्पोर्ट्स शूटिंग फेडरेशन के ये लिंक पे जाके
आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। शूटिंग की और जानकारी के लिए आप ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में।